और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी करने वाले उत्तराखंड के दिग्गज नेता यशपाल आर्य से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। आर्य जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या वजह? देखिए, वजह साफ है कि मैं पिछले 4.5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो रीति नीति है, उससे मैं अपने को असहज महसूस कर रहा था। तारतम्य बनाने की कोशिश की, तालमेल बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, क्योंकि 40-42 साल का जो मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, शुरुआती दौर से लेकर 42 साल तक मैंने कांग्रेस की मूल्यों को, कांग्रेस के सिद्धांतों को, कांग्रेस की विचारधारा को ही देखा था। और आखिरकार मुझे फैसला लेना पड़ा। आज मैंने आदरणीय राहुल जी के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस में सम्मिलित हुआ, परिवार में आया हूँ, घर वापसी हुई है। आज मैं बहुत सुखद अवसर है मेरे लिए, और यकीनन मेरा लक्ष्य है, मेरा संकल्प है कि आने वाले जो चुनाव हैं, 2022 के लोग विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें मैं पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करूं, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगा उसको मैं ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करूंगा, और कांग्रेस स्थापित हो इसके लिए भरसक एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प के साथ काम करूंगा। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में परिवर्तन होगा इस बार? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना कोई भविष्य ज्योतिषी हूँ, लेकिन वातावरण बनेगा, माहौल बनेगा, हम सब एकजुट होकर कांग्रेस स्थापित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करेंगे। शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।